लाइफ में जब भी अपने आप को मेडिटेट या फोकस्ड करना होता है तो मैं पकड़ लेती हूँ सीधे अपने गांव की गाड़ी। सबके साथ नहीं बल्कि अकेले ही निकल पड़ती हूँ मैं सफर में। सवारी गाड़ी में हिचकोले खाते हुए, अगल बगल सबको नोटिस करते हुए मैं निकल पड़ी हूँ अपने गांव भीरी। रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, चंद्रापुरी मार्केट क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ सीधे अपनी वर्ल्ड फेवरेट जगह पर। हाँ, ये चढ़ाई देखकर थोड़ा मेरे माथे पर सिलवटे जरूर आ जाती हैं, लेकिन मुझे पता है इसके ऊपर मेरा स्वर्ग है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो चलो चलते हैं ऊपर, वहां से शुरू करूंगी मैं अपना ब्लॉग। नहीं, ये तो अभी ब्लॉग की शुरुआत नहीं थी, शुरू तो अब होगा। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स टोटली फ्री। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज रंजना रावत फ्रॉम रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। दोस्तों, मैं आई हूँ आज अपने गांव भीरी में और ये मेरी एक सरप्राइज विजिट है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो मेरा सडनली मेरा मन किया तो मैंने सोचा कि आ जाती हूँ, चले जाती हूँ मैं अपने मायके। और ये मुझे लेने आया है शौर्य, मेरा भतीजा। शौर्य बुआ प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आप तो तला क्यों रहे हो, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप तो तला क्यों रहे हो? आप मेरे को लेने आए हो क्या? हाँ। अच्छा, तो पकड़ो मेरे बैग। तो शौर्य ने पकड़ लिए मेरे बैग और शौर्य 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग चुका है और यहाँ पे आ चुकी है मेरी भाभी। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ और रुद्रांश को मैंने वहीं छोड़ा है ताकि मैं ढंग से एंजॉय कर पाऊँ। भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, ठीक छे? हाँ, और तुम भी ठीक छे? ठीक छे। और की क्यों? बस कुछ नहीं होना। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब ये सरप्राइज विजिट थी तो भाभी और शौर्य मुझे लेने कैसे आ गए। एक्चुअली गलती से मुझसे एक फ़ोटो सेंड हो गई थी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे भाभी को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ और वो मुझे लेने आ गए। और वो हमारा पहाड़ी बॉय पहुँच गया ऊपर दो दो बैग ले करके। 6-7 साल का लड़का है, वो यहीं पड़ा पला बड़ा है, तो उसे आदत है इन चढ़ाइयों में जाने की। और ये भाभी जो मुझे लेने आई थी पहले खुद भाग गई है आगे आगे। ऐसे तो लिवाल है, भाभी की भी हालत खराब हो गई है ऊपर चढ़ाई चढ़ते। अभी थोड़ी देर पहले भी आ रखी थी मैं यहाँ। किसको लेने? दोस्तों है, किसको लेने आए थे? अच्छा, तो ये हैं हमारे पहाड़ों के ऊंचा निशा धारदार बाटा, जिन पर चलते हुए सांस फूल जाती है। ये देखिए दोस्तों, मेरे गांव का रास्ता। और ये शौर्य पहुंच गया है, गेट खुला है लेकिन ऊपर से जा रहा है फिर भी। ऐसे क्यों? अच्छा, आपने क्या? ये देखिए मेरे घर का गेट, स्वागत है आपका रावत मोहल्ला ग्राम भीरी में। ये है मेरे दादाजी श्री नारायण सिंह रावत जी। और अब फुल स्पीड में मैं आपको दिखाऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये है हमारी गौशाला और ये हमारी गाय, इसका नाम है गंगा। गंगा, हाय गंगा, हाउ आर यू गंगा? ठंडी चलो भाभी। और ये देखो दोस्तों, माल्टे लगे हुए हैं बहुत सारे, ये भी माल्टे का पेड़ है, ये गोबर डालने के लिए।
हम पोस्ट पेट इसको बोलते हैं मरास, मॉल की मरास। ये हमारे पूरे खेत, इसमें दो पॉली हाउस लगे हुए हैं, उसके पीछे एक मशरूम की यूनिट लगी हुई है, नीचे कीवी का बागान है, आम का बागान है, और उधर देखोगे तो उधर है सिट्रस प्लांट, यानी कि माल्टा, नींबू, नारंगी, इनके बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे एक नारंगी का पेड़ भी है, इसमें नारंगी लगे हुए हैं, अनार भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो, ये हमारा घर का सबसे छोटा बेबी, मेरा प्रणाम बुआ, प्रणाम लकी, प्रणाम प्रणाम करो बुआ को, चलो ऊपर, प्रणाम कर, प्रणाम प्रणाम, चलो आ जाओ ऊपर, आ जाओ, चलो ऊपर जाएंगे। और ये मेरी माँ भी पहुंच चुकी है और मेरी ताई जी भी बैठी हुई है यहाँ पे। माँ प्रणाम, ना तो अकेले नहीं ले, ठीक से, ठीक से, सब ठीक से, छोटे किए नहीं ले, छोटे में यो दिन तो अकेले छो, ताई प्रणाम, और ये है हमारी बहू रानी आराधना, प्रणाम, और ठीक से। घर पे आते ही घर का पूरा चौक भरा हुआ है दाल से, और ये दाल कुटाई का काम यहाँ पे चल रहा होगा। ये हमारी, ये हमारी क्यूट सी बिल्ली, इसका नाम है मिस्ठी। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपने गांव का दृश्य दिखा देती हूँ। ये है मेरा घर, मेरा गांव। तो आजकल पहाड़ों में, गांवों में बहुत सारा काम है, खेतों से फसल निकल रही है, एक तरफ से दालें निकाली गई हैं और बहुत सारी दालों से ये निकाल करके सुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ खेतों में गोबर डाला जा रहा है। अब खेतों में हल भी लगाया जा, एक खेत में हल लग चुका है, ये पतला सा खेत देख रहे हो, ऊपर वाले खेत में अब हल लग रहा है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे माल्टे वगैरह भी हो रखे हैं, और नीचे खेतों में गोबर डालने का काम चल रहा है। तो मैं आपको नीचे जा करके फिर दिखाती हूँ मैं क्या क्या चल रहा है आजकल गाँवों में। तो ये देख सकते हो दोस्तों, दाल की बेल निकाल करके सुखाने के लिए डाल दी गई है खेतों में, और यहाँ पर ये तिल है, तो तिल सुखाया जा रहा है, इसके बाद इससे तिल निकाला जाएगा। ये सोयाबीन की दाल, इधर थोड़ा सा ये शायद ही पुराना बचा हुआ धान होगा, तो ये सुखाने के लिए डाला जा रहा है। और ये हमारे घर में, ये मेरे दादाजी ने बुनी है ये टोकरी, और इसमें जो बड़ी इलायची है मैं आपको दिखाऊंगी, इसका खेत भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे गांव में ही हो रखी है, हमारे खेतों में हमने इसकी खेती की हुई रहती है। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे लस का मार्केट रेट है, बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 800-900 रुपए किलो। ये देखो दोस्तों, आजकल बहुत सारे माल्टे लगे हुए हैं, पेड़ लबालब हो रखे हैं माल्टों से, और यहाँ पर ये नारंगी का पेड़ है, वो भी नारंगी के पेड़ हैं, मैं आपको नज़दीक जा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेड़ पूरा नारंगी से भरा हुआ है, ये छोटे संतरे होते हैं, और ये है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक।
और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे हमने माल्टे नींबू नारंगी के पेड़ लगाए हुए हैं। इन पे नींबू अभी 4-5 साल पहले लगाए थे ये पेड़, अब इन पे नींबू भी आने लगे हैं। ये मेरे फौजी भाई ने लगाए थे ये नींबू के पेड़, इसमें देखो सब में नींबू आ चुके हैं। इस पेड़ में तो बहुत ही ज्यादा नारंगी लगी हुई है, लेकिन ये साइज में काफी छोटी है। खेत में हल लग चुका है और यहाँ पे ताई और ताऊ जी हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, तो ताऊ जी से मिल लेते हैं खेत में ही सीधा। ये हैं हमारे ताऊ जी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद वो खेतों में पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो ताऊ जी जी कैसा है आपका रिटायरमेंट प्लान, क्या है फिर? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, सब तो, उग रहा है, हो रहा है। अच्छा, ताऊ जी ने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ये अनार का पेड़ है और आड़ू है, आड़ू के पेड़ हैं बहुत सारे, लीची के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद का, ये सामने कटहल का पेड़, इनको लगभग 4-5 साल हो गए ना लगे हुए, 4-5 साल। और जब मैं रिटायर होने वाला था ना, हाँ, उसके 5-6 महीने पहले लगाए थे मैंने। और ये पेड़ अब फल देने भी कुछ ने शुरू कर दिया, अनार लगे थे ना इस बार? हाँ लगे थे, लगे थे, ठीक है, बढ़िया है, ठीक हो रहा है। और ये है हमारा दूसरा खेत। पहाड़ों में हर खेत का नाम रखा जाता है, तो इस खेत का नाम है, क्या है ताऊ जी इस खेत का नाम? इस खेत का नाम क्या है? बटोल पुंगड़ू। इस खेत का नाम है बटोल पुंगड़ू, क्योंकि यहाँ पे से एक रास्ता जाता है दूसरे सामने, दूसरे मोहल्ले की तरफ, तो ये बट्टा बोलते हैं पहाड़ों में गांव को, सॉरी रास्ते को, तो इसलिए इस खेत का नाम बटोल पुंगड़ू रखा गया। तो इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, देखिए माल्टे नींबू नारंगी के बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पर किन्नू का पेड़ है जिसको पूरा ढका गया है बंदरों के आतंक से बचने के लिए, तो अब इसमें किसी को खाना होगा तो खा भी नहीं सकता है, तो मैं कुछ तरकीब निकालती हूँ क्योंकि मुझे एक किन्नू खाना है, तो क्या करेंगे फिर, इसको तोड़ लेती हूँ और इसको पहुँचाती हूँ जड़ पे, और यहाँ से ये भी कच्चा है। तो हमने यहाँ अपने गांव में पूरे एरिया में माल्टे नींबू नारंगी के बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, लगभग 1000-1200 तो होंगे ही। यहाँ पे मेरा छोटा वाला फौजी भाई नारंगी तोड़ रहा है ताई जी के साथ मिल करके, तो ताई जी मेरे लिए भी बहुत सारी नारंगी लेकर के आ गए हैं। ताई मैं तो चीनी अच्छा मैं जबरदस्ती नहीं मोड़ लूँ तुझे, मैं तो मैं तो ये देखो हमारी पहाड़ों की नारंगी, नारंगी की दानी। ये हमारा फौजी भाई संदीप सिंह रावत। रावत जी कैसे हो आप? और क्या क्या हो रहा है आजकल? सुना था हमने,
सारा अच्छा जाए अवल सारा जाए आता खूब खातरदारी वेक छे अच्छा जर रंग आयो छे छे बाबा काम जो रे बार कद दिन रे तान अच्छा यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो पूरा बगान है यहाँ पे फिर से बहुत सारे माल्टे नींबू के पेड़ हैं दोस्तों आजकल गोबर डालने का भी टाइम है तो यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गोबर के ढेर आपको देखने को मिलेंगे तो सब अपने के अपने खेतों पे गोबर डाल रहे हैं रात होने से पहले सामने हिमालय के दर्शन भी हो चुके हैं तो रात का समय हो चुका है और मैं थोड़ा बड़ी ताई के घर पे जाती हूँ देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं ये है मेरी बड़ी ताई जी लोगों का घर तो क्या हो रहा है ताऊ जी ताई क्या करनी खाऊंगी क्या बननी लौकी की सब्जी बन रही है यहाँ पर ताई जी लोगों ने गांव में पूरा मॉड्यूलर किचन बना रखा है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ताऊ जी क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों से ठीक ही कहना चाहेंगे आदमी को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए साफ सफाई रखना चाहिए बस जो जिंदगी की जिंदगी है जीना चाहिए बस इससे ज्यादा क्या है सही बात बोली ताऊ जी ने एकदम चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और जीना चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इसलिए जिंदगी ना मिलेगी और ये हमारा लकी बिल्ली को पकड़ रहा है बिल्ली को परेशान कर रहा है लकी लकी ले म्याओ म्याओ मिस्टी म्याओ म्याओ मिस्टी म्याओ म्याओ मिस्टी रख दो नीचे रख दो उसको रख म्याओ म्याओ मिस्टी ये तुम्हारी बॉल नहीं है मिस्टर तुम्हारी बॉल नहीं लाओ हमारी की मिस्टी को लाओ अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पहाड़ी पूजा घर ये यहाँ पर मिट्टी का लेप हो रखा है इसमें आज सुबह एक पूजा हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा बिखरा सा लग रहा है अब चलते हैं छोटी ताई के यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बन रहा है रात के खाने की तैयारी क्या क्या चल रही है तो यहाँ अंधेरा अंधेरा हो रखा है शौर्य क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ताई जी चाय बना रही है दूध उबाल रही है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे ये ताई जी लोगों का सेमी मॉड्यूलर किचन है यहाँ पर चूल्हे की भी पूरी व्यवस्था है और धुआं निकालने के लिए भी यहाँ पे पूरा धुआं घर बना हुआ है ये हमारा बेटू क्या बोल रहा है क्या तो यहाँ पर पहले इनके चूल्हे वाले किचन में चले जाते हैं जहाँ पर लकड़ी का चूल्हा लगा हुआ है और इसमें सब्जी चढ़ी हुई है दूसरी तरफ आराधना आटा गूंद रही है यहाँ पे आराधना क्या भुजी बोल आज करेला आलू अच्छा पहाड़ी करेला पहाड़ी करेला के ठीक है
यहाँ पर चूल्हे में बन रही है पहाड़ी करेला और आलू की सब्जी। पहाड़ी करेले की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। अब चलती हूँ मैं अपने घर और देखती हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है। माँ बन गया खाना? हाँ बन रहा है। ये है ठीक है हरी सब्जी और करेले की सब्जी और ये बना है यहाँ पे करेले की सब्जी। और आज बहुत दिनों बाद माँ के हाथ की रोटियाँ खाने को मिलेगी। देखो यहाँ पर भाभी जी हमारे लिए चूड़े लेके आ गए हैं। भाभी कुलिया कौन लाए चूड़े? मेरी देवरानी लेके आई। अच्छा बहुत स्वादिष्ट होते हैं लो। हाँ ये है हमारे पहाड़ी चूड़े। जब धान की फसल पकती है तो लोग सबसे पहले कुछ कच्चे कच्चे चावलों का बनता नहीं कच्चे कच्चे धान का ना चूड़े बनाए जाते हैं। तो ये है चूड़ा। शौर्या आपने खाया चूड़ा? खाया आपने? क्या हुआ करेले की सब्जी खा ली? मेरे को बोलो साहब जी ना ये पाकिस्तान के अपने घर में। तो खाना खाने के बाद हम सब लोग बैठ गए हैं फैमिली गॉसिप के लिए और थोड़ी देर बातें करेंगे सब बैठ के। सब तो नहीं बैठे लेकिन कुछ कुछ लोग बैठे। कुछ तो थक गए थे दिन भर काम करके तो वो सो गए हैं। तो हम लोग चार पांच लोग मिल करके बैठ करके यहाँ पे गप्पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ कल आपसे नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।